पूरा भारत में और आज जैसा कि सबसे खास पर्व है सावन का, यानी कि सावन शिवरात्रि पुनीता। तो महाशिवरात्रि के बाद सावन शिवरात्रि सबसे खास मानी जाती है। बिल्कुल, और देखिए यही वजह है कि आज आप जिधर भी नजर दौड़ाएं, यानी कि मंदिर में या फिर कहीं पर भी, आज जो है कांवड़िए हैं वो जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि जो कांवड़िए हैं वो जल लेकर देखिए गंगा नदी से निकलते हैं और उसके बाद जो है जलाभिषेक करते हुए नजर आते हैं। तो ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रही, जगह जगह की मंदिरों से तस्वीर सामने आ रही है जहां भक्तों का तांता लगा हुआ है। जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। तो ये कालका जी मंदिर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ सुबह से ही आज जो है भक्त है लाइन में खड़े हुए नजर आ रहे हैं जलाभिषेक करने के लिए। और इसके बाद देखिए तस्वीर, हर एक मंदिर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ भक्तों का जो है तांता लगा हुआ है। तो भक्तों का तांता लगा हुआ है, पूजा अर्चना और जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और कुछ इस तरह से भक्त बम बम बोले के जयकारे के साथ मंदिरों में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि सावन शिवरात्रि का ये खास पर्व। और चार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग जगह से, हरिद्वार के विश्वेश्वर मंदिर से, कालका जी मंदिर दिल्ली से, गौरी शंकर मंदिर ये भी दिल्ली से ही तस्वीर सामने आ रही है, और मेरठ से ये तस्वीर सामने आ रही है, तो काली पाटन मंदिर से। देखिए आज श्रद्धालु पूजा अर्चना भी कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर कर रहे हैं सावन शिवरात्रि को लेकर। उनका क्या कहना है सुनवाते हैं आपको। 11 साल से कितने टाइम में ले आए हैं ये? हम लेके आए हैं लगभग 88 घंटे के अंदर, लगभग 88.5 घंटे के अंदर। हम लोग पैदल आए हैं, हमने जाम के चक्कर में एक दिन पहले जल उठा लिया था, वहाँ पे लैंडस्लाइड होती है, हम इसलिए एक बार पहले का एक्सपीरियंस है हमारा। हमेशा हम कभी 4 बजे भी आए दिन के 4 बजे, मगर इस बार हमने पहले एक दिन पहले जल उठाया था पूरा 24 घंटे। हमने बहुत आराम से कर, कोई जल्दी बहुत तसल्ली से कांवड़, कोई कुछ नहीं कर हमने, बाबा की फुल कृपा। मैं 99 से ये कांवड़ का यात्रा कर रहा हूँ, और इसके अंदर में मैंने जिसमें कि हरिद्वार से और जिसमें कि गंगोत्री से और गोमुख से मैंने केदारनाथ जी पर भी जल चढ़ाया यहाँ से ले जा करके, तो मैं 99 से इस सेवा में लगा हूँ। और इस मंदिर में मैं पूरे 2 साल से आ रही हूँ और मैं बहुत मानती हूँ इधर मंदिर में। मैंने सावन के पूरे सोमवार रखे और बहुत सालों से रखती आ रही हूँ, तो बहुत इम्पोर्टेंस है इसको। तो देखिए भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज का दिन काफी खास, काफी महत्व इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आज सावन की शिवरात्रि है, और ऐसे में भक्त जो हैं सुबह से ही लाइनों में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए ये कहा जाता है कि भगवान भोले जो हैं, भगवान शिव जो है काफी भोले होते हैं, उन पर अगर आप सच्चे मन से, श्रद्धा मन से अगर जल भी चढ़ा देते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। और यही वजह है कि जो भक्त हैं वो लगातार मंदिरों की ओर रुख कर रहे हैं, जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। और शिखा का रुख कर लेते हैं, शिखा वहां से तस्वीरें दिखा रही हैं। शिखा आज तो भक्तों का तांता लगा होगा और आप वहां पर मौजूद हैं, क्या कह रहे हैं भक्त, क्या भावनाएं उमड़ रही हैं लोगों में? बिल्कुल, ये देखिए यहाँ पर जो जयकारे गूंज रहे हैं भोलेनाथ के, वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और भक्त जो हैं, यह गौरी शंकर मंदिर जो बेहद प्राचीन माना जाता है, आज की तिथि भगवान की, आज इनका जन्मदिन भी है, मैं हर साल इनके जन्मदिन पे आती हूँ, अब के इनके जन्मदिन पे एक शिवरात्रि पड़ रही थी। अरे वाह, बहुत अच्छा। और वैसे भी हम यहाँ हर साल जरूर आते हैं एक बार सावन में ना, शिवरात्रि पे। अच्छा, कैसा लग रहा है आज आपको? पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बाबा का बहुत अनुकंपा है, बहुत 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 अनुकंपा है गौरी शंकर भगवान की, और यहाँ पे तो सब स्वयं भू मतलब प्रकट हुए हुए हैं बाबा गौरी शंकर भगवान, प्राचीन मंदिरों में से है, और बाबा की तो अब 12 ज्योतिर्लिंगों की भी अभी स्थापना हुई है यहाँ पे, तो बहुत ही आनंदनीय है। और बाबा बुलाते रहते हैं तो आ जाते हैं जी, उन्हीं का बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और जय भोलेनाथ, बोलो गौरी शंकर भगवान की जय, बोलो शिव परिवार की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए कांवड़िए भी यहाँ पर आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं, आप कहाँ से चल लेकर आए हैं? ये मैं हरिद्वार से। ठीक है, देखिए भक्तों में जो है काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, खुश हैं और लगातार ही बोल रहे हैं कि हम हर साल मंदिर में पहुंचते हैं जलाभिषेक करने के लिए। बहुत शुक्रिया शिखा तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए आज जो है महाशिवरात्रि के बाद जो है, अगर सावन शिवरात्रि की बात करें, काफी खास दिन ये हो जाता है, ऐसे में तमाम मंदिरों में भक्तों की भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, अब जरा आपको हापुड़ की तस्वीर दिखा देते हैं।
जहां से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि यहां पर कांवड़ियों और विशेष समुदाय के बीच में झड़प हो गई, और झड़प इसलिए हो गई क्योंकि ये कहा गया है कि वहां पर मदरसे के ऊपर से कांवड़िए के ऊपर जो है थूक फेंका गया, जिसके बाद विवाद वहां पर काफी बढ़ गया। लेकिन अब इसके बाद से सवाल पुनीता ये भी उठ रहे हैं कि क्या कांवड़ियों को उकसाने की कोशिश की जा रही है? कांवड़ यात्रा जो शांतिपूर्ण तरीके से निकल रही है, क्या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश वाकई में की जा रही है? इस रिपोर्ट से समझिए क्या है पूरा मामला। भोले के भक्त अपने आराध्य को याद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये माहौल कुछ लोग हैं जिन्हें पसंद नहीं आ रहा और माहौल बिगाड़ने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। कांवड़ के अपमान की साजिशें रची जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में जो हुआ है उसे हरेक कांवड़िए में गुस्सा है, लेकिन सवाल है कि ये गुस्सा क्या इनमें भरने की साजिश है? कांवड़ियों का आरोप है कि जब वो कांवड़ लेकर एक मदरसे के सामने से गुजर रहे थे तो वहां खड़े कुछ मुस्लिम युवकों ने उन पर थूक दिया। मदरसे में थूक रहे हैं ऊपर, यहाँ से कांवड़ के ऊपर थूक रहे हैं हमारे ऊपर, ये कल को फिर इनके मोहल्ले में सामने पड़ेगा, हमें तो फिर ऐसी चीजों का सामना करना पड़ेगा। बस यहीं से हापुड़ की सड़कों पर हंगामे की शुरुआत हो गई। ये मंजर देखकर ऐसा लगा मानो कांवड़ियों को उकसाने के लिए तरकीब लगाई गई हो। हरिद्वार से जिस कांवड़ को लेकर वो चले उसके सभी नियम कायदों को हर कदम पर पूरा किया, उसका अपमान वो आखिर कैसे सहन कर सकते थे? कांवड़ियों के जत्थे में इस घटना के बाद आक्रोश फट गया, हंगामा खड़ा हो गया, हालात इस कदर बिगड़ गए उन्हें संभाल पाना मुश्किल हो गया। पूरी घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में भारी पुलिस बल के साथ मौके पर आला अधिकारी पहुंच गए। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने हालात को अपने काबू में किया। कुछ वीडियो है हमारे पास में, उन वीडियो का सहारा लेकर के और जिन व्यक्तियों ने इस प्रकार का दुष्कृत किया है उनके विरुद्ध ठोस कार्रवाई की जाएगी। यहाँ सवाल ये उठता है कि जब कांवड़िया अपने रास्ते से शांति से गुजर रहे थे तो आखिर वो कौन लोग हैं जिन्हें ये शांति पसंद नहीं आ रही? आखिर कौन है जो देश के माहौल को बिगाड़ने की साजिश रच रहे हैं? आखिर वो कौन है जो कांवड़ के नाम पर दंगे की कालिक पोतने की कोशिशों में लगातार जुटे हैं? अपने कुछ कांवड़िए भाई, भोले भाई निकल के जा रहे थे तो उनके ऊपर मदरसे के बाद थूका गया। कांवड़ के बाद एक व्यक्ति के सामने, प्रशासनिक व्यक्ति के सामने कहा गया हम तो यही काम करेंगे, तो स्वाभाविक है भोले बाबा की तपस्या करना, मैं तो तपस्या शब्द इस्तेमाल करूंगा, अगर कोई भंग करता है तो उसे उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। प्रशासन अगर चाहेगा जल्द से जल्द जिसने थूका है उसे गिरफ्तार करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, वरना हम आंदोलन करने के लिए स्वतंत्र हैं। इससे पहले भी कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां विशेष समुदाय की ऐसी मानसिकता देखने को मिली है। कभी रोटी पर थूक दिया जाता है तो कभी फलों पर, कभी सैलून में थूक कर मसाज की जाती है तो कभी फूलों में थूक कर माला बनाई जाती है, वो फूल माला जिन्हें हम अपने आराध्य पर चढ़ाते हैं। वाकई इस तरह की तस्वीरें कई सवाल खड़े करती हैं, सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर ये क्यों हो रहा है? इन सब के पीछे ऐसी कौन सी वजह है जो मनुष्य को इतना नीचे गिरा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए रिपोर्ट आपने देखी, इसके बाद से कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर आस्था के साथ इस तरीके से क्यों किया जा रहा है, आखिर क्यों खिलवाड़ हो रहा है? साथ ही साथ आखिर कांवड़ियों के साथ ही बसलों की क्यों हो रही है? क्योंकि पहला मामला नहीं है। देखिए कांवड़ से दिक्कत क्यों है, ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि प्रशासन की तरफ से कांवड़ रूट पहले से ही तय कर दिए गए, उसी रूट से जो कांवड़िए वो गुजरते हैं। सरकार की तरफ से कांवड़ रूट के पास जितने भी स्कूल है उसे बंद कर दिए गए। कांवड़ रूट पर मदरसों के खुले होने पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा प्रशासन का आदेश आखिर क्यों नहीं माना जा रहा है, ये सवाल भी पूछे जाएंगे। कांवड़ यात्रा के खिलाफ साजिश रची जा रही है क्या, क्योंकि लगातार देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही है इससे यही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर लोगों को कांवड़ यात्रा से दिक्कत क्यों हो रही है। अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं। अगली खबर क्या है, अंजलि के पास चलते हैं। बिल्कुल, अगली खबर लखनऊ के गोमती नगर से है और शायद वो वीडियोस आपने देखे होंगे कि राहगीर निकल रहे हैं और किस तरह से वहां पर मौजूद कुछ युवक पानी उछाल रहे हैं, और ऐसा ही हुआ एक युवती के साथ जो कि बाइक से निकल रही थी और साथ ही साथ राहगीरों के साथ किस तरीके से बदसलूकी हो रही थी, महिला के साथ छेड़छाड़ हो रही थी। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में आते हैं और 16 आरोपियों की गिरफ्तारी तो होती ही है, साथ ही साथ अफसरों पर भी गाज गिरती है। देखिए इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट।
तहजीब के शहर में महिला से बस रुकी। योगी ने निकाली फुड़दंगियों की गर्मी। लापरवाहों पर गाज, प्रदेश में योगी राज। या तो अपराध करना बंद करो और अपराध करोगे तो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। फुड़दंगियों ने अदब के शहर लखनऊ को शर्मसार किया। गोमती नगर इलाके के इस शर्मनाक तस्वीर को जिसने भी देखा उसकी आंखें शर्म से झुक गईं। ये तस्वीरें जैसे ही सीएम योगी के संज्ञान में आई तो योगी भड़क उठे और महिला पर पानी छींटने और बाइक से गिराने पर खुड़दंगियों की गर्मी निकाल दी।